नमस्कार साथियों, बहुत बहुत याद करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट के ऊपर में आने के लिए। आप देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने आप लोगों से वोट मांगा था और वोट पर आप लोगों ने खुलकर दिल खुल कर यहाँ पर जवाब दिया। अब देखो मैंने वोट आप लोगों से मांगा था यूट्यूब पर, टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टाग्राम आईडी पर। तो देखो मैं दिखाता हूँ वोट की रिजल्ट कितनी अच्छी आई है। देखिए सबसे पहले मैं मांगा था आप लोगों को वोट का रिजल्ट यूट्यूब पर। यूट्यूब पर कुल मिलाकर 1000 समथिंग लोग बच्चे, 982 स्टूडेंट ने यहाँ पर वोट दिया और उन सभी का कहना था सर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी एग्जाम एक्सेप्टेड डेट बनाओ, ठीक है, यूट्यूब पर लोग बोल रहे थे। और कुछ स्टूडेंट ने कहा सर बीए बीएससी बीकॉम पार्ट वन कॉपी कैसे लिखे इस पर बनाओ। तो दोस्तों तो घबराओ मत, जो सबसे अधिक वोट मिली है मुझे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड डेट, आज हम उसे बनाने वाले हैं, इस पर हम बनाएंगे, नेक्स्ट ईयर बनाएंगे। और बाकी सब जो बचा हुआ है उसमें वोट मिले लेकिन वही बनाऊंगा मैं, धीरे धीरे उसको भी बना दूंगा आप लोगों। अब मैं आता हूं दोस्तों नेक्स्ट वोट की तरफ में। तो यहां पर आता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर वोट मैंने मांगा। टेलीग्राम चैनल पर हालांकि बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने 206 वोट बच्चों ने जवाब दिए और उन सभी का यही कहना था सर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एग्जाम एक्सेप्टेड डेट बनाओ। और यहाँ 42% स्टूडेंट जो वोट है इस पर आई है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी पर। देखो इंस्टाग्राम आईडी पर भी मैंने वोट मांगा था, यही सेम चीज़ मांगा था, कहा था 1 2 3 4 बोलो, तो सभी स्टूडेंट ने मिलकर आंसर दिया और उसमें से सबसे अधिक जो रिजल्ट दिया वो 3 वाले अर्थात बीए बीएससी बीकॉम वाले पर वीडियो बनाओ। वो 20 आदमी ने वोट दिया, बाकी सब पर 10-10 वोट आए, मतलब समथिंग कुछ इसी अनुसार वोट आए 50-50 करके। तो दोस्तों बाकी दो वोट को देखते हुए आज मैं लिया हूँ फैसला कि आज मैं अभी बना दूंगा आप लोगों को पाटलिपुत्र एक्सेप्टेड डेट और बाकी जो बचेगा दोस्तों तो वो मैं आपको कल बना दूंगा बीए बीएससी बीकॉम कॉपी कैसे लिखे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मेन पार्ट। तो मेन पार्ट यहाँ पर ये होने वाली सबसे पहली बात कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपके अंदर जो एग्जाम के अंदर जो आपके अंदर जो मतलब कि कूद रही है क्वेश्चन उसके ऊपर हम बात करते हैं। आपके ऊपर मतलब आपके अंदर इतना क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का क्या हो सकता है एग्जाम डेट, पहली चीज कब तक एग्जाम होगा, उसके बाद एग्जाम फॉर्म कब तक आएगी और कोरोना वायरस का कहर कब तक रहेगा, उसके बाद न्यू एग्जाम रूटीन 2020 का क्या हुआ सर, जो आप बताए थे उसको फैलो फॉलो करूँ या ना करूँ, या फिर पार्ट टू फॉर्म कब आएगा, पर एग्जाम फॉर्म कब से भराएगी। देखिए मैं बताता हूँ मतलब कि जो इतने भी स्टूडेंट हैं बताता हूँ पहली बात कि आज मैं जो भी बताऊंगा वो आपको कंफर्म नहीं बताऊंगा, ये सभी के सभी एक्सेप्टेड डेट रहेंगे और इसी एक्सेप्टेड डेट के अंदर में ही आपका एग्जाम होगा, न तो उधर जाएगा न तो उधर जाएगा। तो आप लोग ये मत समझना कि हाँ कि जो बताया सर वही फाइनल हो गया और बाद में परेशान मत करना सर आप ये बोले थे और एग्जाम डेट तो ये निकला ये बोले थे। देखो मैं बताऊंगा एक्सेप्टेड डेट लेकिन एक्सेप्टेड के अनुसार ही होगा, आप उसी को लेकर चलना। चलो मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए 31 मार्च सबसे पहली बात आप यहाँ समझते हैं, सबसे पहली बात दोस्तों 31 मार्च तक कोरोना कहर है, 31 मार्च तक न तो एग्जाम फॉर्म भराएगी न तो कहीं लोग जा सकते हैं, ना कोई कॉलेज खुलेगा, न तो आपका फॉर्म नंबर आप ला सकते हो कॉलेज से, ना आप कॉलेज में झांकी मतलब कि जा सकते हो, ना आप किसी मास्टर से मिल सकते हो। 31 मार्च तक पूरी की पूरी बिहार लॉकडाउन है। तो आप इस बात को लेकर चलो कि 31 मार्च के बाद ही जो होगा सो होगा, तो 31 मार्च वाले स्टूडेंट यहां पर सो कैंसिल कर दो, 31 मार्च के बाद ही कुछ होने वाली है जो भी होगा सो 31 मार्च। और आज हो चुकी है 24 मार्च और काफी कम दिन बचे हुए हैं, तो आप एक सप्ताह घर में कर सरकार का साथ दे दो। अब मैं बताता हूं कोरोना वायरस का कहर कब तक रहेगा। दोस्तों कोरोना वायरस का कहर देखते हुए 31 मार्च के बाद ही भी रहेगा जैसा दिख रहा है वैसा, तो आप अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसकी थोड़ी बहुत बोलचाल होगी लेकिन उसके बाद ये ऑटोमेटिक गर्मी बढ़ते ही ये शांत हो जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो तो गर्मी में जिंदा नहीं रह सकता है, तो आप इसको लेकर चलो। अब कहता हूं कब तक होगा, अब हम शुरू करते हैं अपना प्लान जो मैं बता रहा हूं एक्सेप्टेड वो अब शुरू करते हैं, क्या अपना एक्सेप्टेड क्या होगा सुनिए। सबसे पहली बात आते हैं यहाँ पर कि पाटलिपुत्रा ने करीब करीब 12 तारीख को एक नोटिस दिया था कि द ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ फोर डिग्री पार्ट वन सेल बिगेन फॉर्म 12/3/2020 वनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट विल बी एबल टू फिल द फॉर्म, स्टूडेंट कैन गेट देयर रजिस्ट्रेशन स्लिप वनली वेन वेरीफाइड बाई कॉलेज। अर्थात उन्होंने कहा था कि 12 तारीख से पार्ट वन जितने भी स्टूडेंट है पार्ट वन का उनका जो है यहाँ देखो पार्ट वन लिखा हुआ है वोकेशनल यूजी पीजी सभी का वोकेशनल जो भी वाले हैं वोकेशनल सब उन सभी का 12 तारीख से एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप क्या हुआ कि 12 तारीख के बाद जो 2 दिन बीते उन्होंने कहा कि अभी कितने सारे बच्चे का रजिस्ट्रेशन छूट गया हुआ है, उनको एक बार मौका देना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं 12 के बदले अब 18 से फॉर्म भरवाऊंगा। आप लोग पूरी बात सुनते रहिएगा तभी आप कुछ बोलना। उन्होंने कहा कि 12 के बदले 18 फॉर्म भरूंगा, बीच में मैं आपको रजिस्ट्रेशन का पोर्टल फिर से खोल लूंगा। यहाँ देखो नोटिस आया हुआ है, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि द रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिफरेंट कोर्सेज इन बिगेन री ओपन 16/3/2020 से लेकर 18/3। मैंने आप लोग कहा था ना कि रजिस्ट्रेशन का पोर्टल उन्होंने फिर से खोला, क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ने शिकायत किया था उनके मिलकर मेल पर कि सर मैंने नहीं कर पाया, मैं बाहर गया हुआ था, मुझे डेट का पता नहीं चला, इसलिए एक बार प्लीज आप फिर से खोल दीजिए। या फिर जो भी स्टूडेंट का नाम वाम सा गलत था सुधरा नहीं गया था उन लोगों को भी दिया कहा गया था सर मेरा प्लीज आप सुधार
सुधार दीजिए या फिर कर दीजिए। तो पाटलिपुत्र ने सोचा कि मैं 1200 का फॉर्म भरवाऊंगा, तो बच्चों को स्टूडेंट को हो जाएगा प्रॉब्लम, कितने सारे स्टूडेंट जो है बिना स्लिप के वहाँ फॉर्म भर नहीं सकते, एग्जाम फॉर्म में स्लिप मांगेगा आपको और आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो आप कर नहीं सकते हो तो फिर कैसे होगा। इसीलिए पाटलिपुत्र ने मतलब कि नोटिस जारी किया कि पहले हम 18 तक फिर से फॉर्म भरवाते हैं, उसके बाद एग्जाम फॉर्म नोटिस देंगे। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, कोरोना कहर हुआ, कोरोना वायरस कैसा कहर हुआ कि पाटलिपुत्र ने निश्चित कर लिया कि जितने बच्चे हैं यहाँ पर जिनके किसी का नाम गलत होगा या फिर किसी का कुछ होगा, किसी का एग्जाम वो नहीं फेल होगा, तो वो कॉलेज आएंगे जाएंगे। इससे क्या होगा कि आदमी के सेल से कोरोना वायरस ज़्यादा फैलेगा, इसलिए कॉलेज ने टेक डाउन ले लिया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जो भी होगा 31 मार्च के बाद होगा। अब देखो यहाँ प्लान क्या है मेरा दोस्तों, पहली बात सुन लीजिए कि देखिए 31 मार्च तक दोस्तों आपका जो है एग्जाम फॉर्म, अब आता है एग्जाम फॉर्म के बारे में, क्योंकि आपका जो भी फॉर्म था वो सब आपका मतलब फिलअप हो चुका है। अब आता है एग्जाम फॉर्म पर, एग्जाम फॉर्म दोस्तों 31 मार्च तक आपको कुछ नहीं भराएगा, क्योंकि 31 मार्च के बाद ही पोर्टल खुलेगा। तो इतना उम्मीद है, आप ऐसे डेट सुन लो, इतना उम्मीद है आपका कि एग्जाम फॉर्म जो पार्ट वन का जो भराने वाला है वो दोस्तों 10 मार्च, ठीक है, माफ करना, 10 अप्रैल तक भराएगा, फिर 10 अप्रैल से शुरू होगा, मतलब 10 अप्रैल से लेकर 12-13 अप्रैल तक, क्योंकि फर्स्ट वीक में ही ये शुरू हो जाएगी। तो ये आपको 7 अप्रैल से लेकर 10 या 12 अप्रैल तक फॉर्म के फिलअप होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आप कहोगे सर 1-2 अप्रैल से क्यों नहीं, अरे भाई 1-2 अप्रैल से शुरू कर देगा तो कितने सारे स्टूडेंट का जो नाम वो गलत था वो जाकर फिर कॉलेज जाएंगे, वहाँ से फॉर्म नंबर लाएंगे, तो उनको भी तो 1-2 दिन मौका दिया जाए, देगा बिल्कुल दिया जाए, क्योंकि कॉलेज तो बंद है अभी, बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है या फिर उनका फॉर्म में नाम गलत है, जो वर्ड गलत है या फिर उनका फॉर्म नंबर नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को मौका दिया जाएगा 3 से 4 दिन जाकर कॉलेज, आप दौड़ भरा करके अपना सब कुछ करवा लो। तो आपकी जो फॉर्म फिलअप जो शुरू हो जाएगी वो आप बता रहा हूँ ऐसे डेट वक्त 10 अप्रैल से लेकर कुछ समथिंग डेट तक आपको फॉर्म फिलअप पार्ट वन की होगी। तो आप इस तरह लेकर चलो कि अप्रैल के सेकेंड वीक और अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेकर सेकेंड वीक तक आप लोगों को एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएगी, तो आप इसको लेकर यहाँ पर निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। आप देखो यहाँ पर कोरोना का वायरस कह रहा है 31 मार्च के बाद भी रहा, अगर कोरोना का कहर 31 मार्च के बाद भी रहा, 31 मार्च तक भी कोई कुछ नहीं उपाय नहीं हुआ, सरकार बोल दी कि फिर से बंद रहेगा, तब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तब ये एग्जाम फॉर्म आपको डेट फिल हो जाएगी। दोस्तों अब आते हैं यहाँ पर पार्ट टू वाले के लिए, देखिए पार्ट टू वाले का एग्जाम फॉर्म भी नहीं फिलअप हुआ है, तो उनका भी बिल्कुल पार्ट वन के बाद जो भी डेट आएगी उसको पार्ट टू का आ जाएगी, ठीक है। जो पार्ट वन के मतलब अप्रैल के सेकेंड वीक तक आपका भी फॉर्म, जो पार्ट टू वाले हैं उनका भी हो जाएगा। अब दोस्तों आता हूँ यहाँ पर एग्जाम को लेकर, एग्जाम की ऐसे डेट क्या है। तो आपको याद होगा कि मैंने आज से कुछ दिन पहले आप लोग को ये वाली फॉर्म दिया था, ये वाली मैंने वीडियो बना दी थी, और इसका अगर चाहिए आपको PDF तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, जाके वहाँ से आप ले लेना, इसका मैं कहोगे तो मैं अभी भी डाल दूंगा, नीचे कमेंट कर देना आप लोग, मैं डाल दूंगा। तो ये माफ़ करना, तो ये वाली जो है मैं न्यू रूटीन आप लोग को दे रखा हूँ। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आप कहोगे सर 5 मई से डेट ऑफिशियल, तो क्या 5 मई से मेरी एग्जाम होगी। दोस्तों बता दूं मैं कि आप लोग की 5 मई से आप एग्जाम नहीं होगी, आप लोग को दोस्तों मई के लास्ट में नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में होगी। अब क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो बताता हूँ कैसे, थोड़ा आप दिमाग लगाओ दोस्तों कि अभी अभी जो पाटलिपुत्र है उनके पास सिर्फ पार्ट वन BA BSc BCOM ही नहीं है, उनके पास पार्ट वन के UG कोर्स है जिसमें वोकेशनल आती है, ट्रेडिशनल कोर्स आती है, और आप रेगुलर कोर्स जो आप लोग कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों उनके पास PG की semester 1, semester 2, semester 3 वाली है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उनके पास पार्ट टू और पार्ट थ्री की है। आप इतने सारे बच्चों का फॉर्म भरवाते भरवाते उनको अप्रैल तो पार ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, आप इस बात को समझो, ठीक है। पहले तो खबर था 3 अप्रैल से होगी, लेकिन 3 अप्रैल से होने के चांस आप नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर UG पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, UG वोकेशनल, UG ट्रेडिशनल, UG रेगुलर, उसके बाद PG semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, PG पार्ट वन पार्ट टू, UG, उसके बाद दोस्तों BEd, MEd, इतने सारे कोर्स अभी चल रहे हैं उनके अंदर में, अब वो BCA, BCOM ये सब है। तो उन लोगों का फॉर्म भरवाते भरवाते अप्रैल पार, ठीक है दोस्तों, अप्रैल तो पार हो जाएगा। आप कहते हैं दोस्तों मई के अंदर में, तो आप लोग को मैं बता दूं कि पहले जो एग्जाम होगा दोस्तों आप पार्ट टू का होगा, ठीक है, उसके बाद ही आप लोग का होगा। तो आप ये बात समझ लो दोस्तों कि पार्ट टू का एग्जाम जो होना था वो मार्च के लास्ट वीक में, नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट में होना था, अब उनका हुआ नहीं। अर्थात आप ये समझिए दोस्तों कि पार्ट टू का जो फॉर्म जो एग्जाम होगा दोस्तों वो होगा अब मई में, वो मई में कंफर्म है, उनका मई में ले लिया जाएगा, क्योंकि जो मई में होना था, जो अप्रैल में होना था वो होगा मई में। अर्थात दोस्तों कि पार्ट टू का जब मई में होगा तब पार्ट टू, PG पार्ट टू और आपको BA BSc BCOM ये सब पार्ट टू का लेते लेते एग्जाम लेते लेते मई पार हो जाएगा। अर्थात जो पार्ट वन बचा दोस्तों, उन लोगों का पार्ट वन का जो एग्जाम होगी वो दोस्तों पूरी की पूरी उम्मीद है जून के फर्स्ट वीक में आपकी होगी,
ठीक है, तो आप ये लेके चलो कि मैं जो आपको ये डेट दिया हूँ एक्सेप्टेड वाली, ये अनऑफिशियल डेट है, लेकिन आप इसको लेके चलो, इसी के अनुसार आपकी रूटीन चलेगी, इसी के अनुसार चलेगी। तो इसको दोस्तों अपने रख लेना, को फेंकना मत, या फिर इसको डिलीट मत करना अपने मोबाइल से, क्योंकि इसी के अनुसार हो सकता है आपकी डेट चले, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था इसी में एक्सेप्टेड डेट वाली नेट नोटिस बताया था, ये इसी के अनुसार चल सकती है, तो आप इसको लेके चलो, क्योंकि ये आप न्यू एग्जाम रूटीन मांग मांगे, ठीक है, मांग के चलो। आप देखो मेरे पास इतनी सब कुछ हो गई, तो आप दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि थोड़ी ये वीडियो आज लगता है, मतलब मेरे ख्याल से लंबी बन गई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि सर जिनका जिनका मतलब रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउन नहीं हो रहा है, या फिर सर जिनका स्लिप डाउन नहीं, वो क्या करें, तो बताया था वो क्या करना है। सबसे पहले जो जिनका डाउन नहीं हो रहा है उन लोग को, या फिर स्लिप फॉर्म नंबर उनको नहीं मिल रहा है, तो उन लोग को 31 मार्च तक वहाँ पर अपडेट की जाइए। 31 मार्च के बाद आप लोग की कॉलेज खुलेगी, कॉलेज से जाकर आप लोग को फॉर्म नंबर चुटकी में एक बताते हुए मिल जाएगी, और जिन लोगों का जो भी नाम पता गलत है उन लोगों को मौका दिया गया था 20 से सुधारने की, अगर वो एप्लीकेशन दे दिए होंगे तो सुधर जाएगा, अगर नहीं सुधरेगा तो आप लोग को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बस यही है आज की वीडियो में, मेरे ख्याल से अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में रहेगी BA BSc BCOM की कॉपी पार्ट वन वाली कैसे लिखे, पार्ट टू पार्ट थ्री में सब बताऊंगा उसके बारे में। तो अगर आपको कोई और वीडियो बनवाना है तो आप हमको पर्सनल से मुलाकात करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर मुझसे पर्सनल कुछ क्वेरीज है कि सर ये कैसे होगा, ये सर आपने नहीं बताया, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आकर मुझसे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, और बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दिया हूँ, वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी के सभी PDF GB ये सब आपको मिलेगा, फ्री आपको वहीं मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर चैनल अच्छा लगा था चैनल सब्सक्राइब तो कीजिए ही, और साथ में जो यहाँ पर जो इंजॉय कर रहा हूँ उनको शेयर भी कीजिए। गुड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।